किसी चीज को समझने के लिए मंथन जरूरी है। नई सोच जगाने के लिए मंथन जरूरी है। नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। इस वीडियो में जो एडवांस कॉन्सेप्ट आप समझने जा रहे हैं वो इतना इजी नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश है आप इसे समझ जाएं। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। बहुत लोगों को मंथन हब के थंबनेल से बहुत ऑब्जेक्शन है। अभी क्या कर रहे हो यार, ये थंबनेल में लड़कियों की फोटो, ये पॉर्न स्टार्स की फोटो, ये सब क्यों लगा रहे हो? क्या तमाशा बना रखा है? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं आपको आलू समझाना चाहता हूँ। टमाटर दिखा नहीं सकता, टमाटर समझाने के लिए आलू दिखा नहीं सकता। जो चीज जैसी है उसे वैसे ही समझने के लिए वो चीज दिखाई जाती है, ताकि कम से कम वो चीज स्पष्ट हो सके। दूसरी बात, भयंकर बदबूदार कीचड़ के अंदर गोल्ड कॉइन्स पड़े हुए हैं, खो गए हैं। वो सोने की मुद्राएं कौन है? हमारे देश की युवा। वो गंदगी क्या है? पॉर्न एडिक्शन। उन्हें निकालने के लिए उस गंदगी के अंदर हाथ डालना पड़ता है, नहीं तो वो निकल नहीं पाएंगे। जब गोल्ड कॉइन्स निकल जाएंगे, उनको साफ किया जाएगा, उनको धोया जाएगा, उसके बाद पहाड़ी के ऊपर चढ़ाया जाएगा और दिखाया जाएगा, ये देख तेरी खूबसूरत दुनिया, तुम क्यों भूल रहे हो इस खूबसूरत दुनिया को, कहां गंदगी में खोए पड़े हो। जब उसे रियलाइज होगा, वो समझ जाएगा कि मैं भयंकर बदबूदार कीचड़ रूपी दलदल में फंसा हुआ था। तीसरी बात, आज हमने इसको खास करके क्यों लिया? दोस्तों, एक समय था कि हमारे देश की युवा महाभारत, रामायण और तमाम सारे शास्त्र को पढ़ते हुए बहुत बड़ी हस्तियों से, महान आत्माओं से, महापुरुषों से और कैरेक्टर से प्रेरणा लिया करते थे और उनके दिमाग में वो सब छवि बनी रहती थी। लेकिन आज के समय में तरह तरह के पॉर्न एक्ट्रेस को देख करके, पॉर्न स्टार्स को देख करके उनके दिमाग में ऐसी छवि बना दी है, तो ये सब एक्ट्रेस भूतनी बन करके दिमाग में बैठ गई है और इतनी आसानी से नहीं निकल रही है। इसलिए इन भूतनियों को दिमाग से निकालने के लिए मंथन हब को अवेयर करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब ये सब भूतनियां आपके दिमाग से निकल जाएगी। दोस्तों, तमाम सारे शास्त्रों में, विद एग्जांपल इस बुक में लिखा हुआ है, जब व्यक्ति की थर्ड आई जग जाती है तो उसे दुनिया कैसे दिखती है, लोग कैसे दिखते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा है, जब थर्ड आई जग जाती है, दूर से भी दूर की चीज, चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कोई भी एक तारा हो, कोई भी एक नक्षत्र हो, कोई भी एक ग्रह हो, वो पास नजर आती है और पास की चीज इतनी बारीकी से दिखाई देती है, यानी कि उस चीज की गहराई में जो अणु है वहां तक भी नजारा दिखाई देता है। थर्ड आई जगने से ऐसी एक समझ हमारी विकसित हो जाती है, हम अपने शरीर की पूरी रचना को समझ जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना को समझ जाते हैं। जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ, योगियों के और महापुरुषों के अनुभव पर आधारित बात ही कह रहा हूँ। सपोज किसी की थर्ड आई जगी हुई है, अगर उसके सामने इसको खड़ा करेंगे तो कैसे दिखाई देगी? उसके पास दो नजारा है। पहला नजारा कैसे होगा? वो देखेगा बारीकी से ये शरीर कैसे बना है, शरीर के अंदर क्या क्या अंग है, वो सारे अंग उसको दिखाई देंगे। ये शरीर उसको एक बस मांस का पुतला नजर आएगा। एक एक अंग की गहराई में जाएगा तो उसे एक एक अणु दिखाई देगा,
और उस अणुओं को देख करके उसके अंदर कोई मोह नहीं होगा, उसके अंदर कोई वासना पैदा नहीं होगी। दूसरा नजारा बहुत ज्यादा सूक्ष्म और आध्यात्मिक है, ध्यान से सुने। जब इस शरीर को थर्ड आई में जगने वाला व्यक्ति देखेगा तो उसकी गहराई में जाएगा, गहराई में जाएगा तो शरीर का अस्तित्व ही नहीं है, शरीर एक कल्पना मात्र है। और उसके बीच में उसे एक लाइट दिखाई देगी जो इस शरीर को सत्ता दे रहा है, इस शरीर को चला रहा है, उसे वो लाइट दिखाई देता है, बस और कुछ नहीं। उस लाइट की और गहराई में जाएगा, और गहराई में जाएगा, लाइट लाइट लाइट, पूरी गहराई में उसे बस एक वाइब्रेशन दिखाई देगा और कुछ नहीं, ओनली वाइब्रेशन। तमाम सारी बातों को जब हम कंसीडर करेंगे तो ये शरीर, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड सब कुछ काल्पनिक नजर आने वाले हैं। सिंपल से सिंपल भाषा में समझें तो थर्ड आई कोई तीसरी आंख यहां से नहीं खुलेगी, एक समझ की आंख खुलेगी। अगर बायोलॉजिकली देखें तो हमारे मस्तिष्क के बीच में एक पीनियल ग्लैंड है, वो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है तो हमारी समझ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दूर से भी दूर की चीज को हम बारीकी से देख लेते हैं और छोटी से छोटी चीज को जो पास में है उसे भी बारीकी से देखते हैं, उसकी गहराई में अणु तक भी हम देख पाते हैं। फाइनली पूरी दुनिया को चलाने वाली हर किसी के अंदर एक लाइट दिखाई देती है और लाइट की गहराई में एक वाइब्रेशन दिखाई देता है। दोस्तों थर्ड आई को जगाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें बताई है, आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बस तीन बात बताना चाहता हूँ। इस थर्ड आई एक्टिवेशन जर्नी में पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल, उसके बिना आप इस जर्नी की पहली सीढ़ी को भी पार नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल में पावरफुल बनने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ओम अरमाय नमः, ओम अरमाय नमः इस तरीके से 108 बार जाप करें। शाम को भी आप जाप कर सकते हैं और सोने से पहले भी आप जाप कर सकते हैं। दूसरी सीढ़ी है किसी भी महापुरुष को, एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, उनके थर्ड आई यानी कि दोनों आंखों के बीच में एक टक देखें स्ट्रेट, यानी कि आप स्ट्रेट अगर बैठ भी जाएंगे तो जब कमर सीधी करके बैठ जाएंगे तो इसी डायरेक्शन में, इसी लाइन में स्वामी विवेकानंद की फोटो को चिपका दीजिए। कोई भी गॉड या गॉडेस जो पसंद है उनकी दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करके एक टक बिना आंखों के पलके झुकाए देखते रहें, इसे त्राटक भी कहते हैं। त्राटक करने से भी थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, आप 15 मिनट तक भी त्राटक कर सकते हैं, कई लोग एक घंटे तक भी करते हैं, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही त्राटक करें। तीसरा उपाय, श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को कहा है अपने चंचल मन को तुरंत काबू करने के लिए नोज के टिप में, यानी कि नासिकाग्र बोलते हैं इसको, यहां पर दोनों आंखों से ध्यान इस तरीके से केंद्रित करना चाहिए। जितना ज्यादा टाइमिंग बढ़ाएंगे उतना आपके लिए अच्छा, इससे चंचल मन काबू भी होता है और थर्ड आई एक्टिवेशन में भी मदद मिलती है। दोस्तों तमाम सारे उपाय हैं, अगर आप ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल फॉलो करते जाएंगे तो आपकी समझ की आंख खुलती जाएगी, वो थर्ड आई से कम नहीं है। इसलिए अपने ज्ञान की आंख को खोलें, शरीर की सच्चाई को जानें, दुनिया की सच्चाई को जानें, सृष्टि की सच्चाई को जानें और हर वासना से, हर शक्ति नाश से अपने आप को बचाएं और अपने कीमती जीवन को, हीरा जीवन को और भी अनमोल बनाएं, सफल बनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।